ये देखें ये क्यूट सी मुर्गी और उसके छोटे छोटे से चूजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की दीनी दुनियावी मुश्किलात जो है वो आसान फरमाए और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जो है वो अता फरमाए। तो आज हमारा प्रोग्राम बन रहा है जी आप लोगों के साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने का, और आज हम बना रहे हैं लसूड़े का अचार। और लसूड़े का अचार जो है वो अक्सर देहात में बनाया जाता है, शहरों में बहुत ही कम लोगों को इसका आइडिया है कि अचार जो है वो इसका बनाया जाता है, मगर देहात में अक्सर बनाया जाता है। स्पेशली जब हम लोग छोटे छोटे होते थे तो लसूड़े के दरख्त जो है वो अक्सर मिल जाते थे, घरों में लगे होते थे, बागात में लगे होते थे, मगर अभी अचार जो है वो बाज़ार से मिल जाता है। लोग जो है वो दरख्त बहुत कम कर गए हैं, काट दिए हैं किसी ने, और कुछ जो है वो वैसे बीमारियों की वजह से सूख गए। तो अभी अगर लसूड़े का अचार बनाना हो तो बहुत ही स्पेशल कहीं दूर दराज जाना पड़ता है, वहाँ पर जाके आपको दरख्त मिलेगा और वहाँ से आप तोड़ के लाएँगे फिर अचार बनाएँगे। तो चलिए हम भी आपको एक तो लसूड़े का दरख्त दिखाते हैं, खेत दिखाते हैं, खलिहान दिखाते हैं, और उसके बाद वहाँ से लसूड़े तोड़ के लाएंगे, अचार बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए निकलते हैं। वो दूर एक दरख्त आपको नज़र आ रहा है, वो लसूड़े का दरख्त है, और हमें जाना है अभी वहाँ पे। और हम लोग निकल आए हैं जी पैदल ही, अभी चलते हैं वहाँ पे। धूप जो है वो काफ़ी हो रही है। ये यहाँ पे लगा हुआ है जानवरों के लिए चारा, और उसके साथ ये लगे हुए हैं बीच में जी आम के दरख्त। इनके ऊपर आम जो है वो इस दफ़ा बहुत ही कम लगे हुए हैं, कोई कोई चीदा चीदा जो है वो देखने में नज़र आ रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे चलाया जा रहा है खेत में हल। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग पहुंच गए हैं लसूड़े के दरख्त के नीचे, और यहाँ से पहले से जो है लसूड़े उतारे जा रहे हैं। ये चेक करें माशाल्लाह काफ़ी प्यारे प्यारे और फ्रेश से लसूड़े जो है लगे हुए हैं। लसूड़े का दरख्त जो है वो काफ़ी बड़ा है, और लसूड़े उतारने के लिए जो वो खूंटी इस्तेमाल की जा रही है, इसकी मदद से जो वो उतारे जाएंगे। लसूड़े का दरख्त जो है वो काफ़ी मोटा भी है, और इसके अलावा काफ़ी ऊंचा भी है, इसलिए इसके ऊपर चढ़ना जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, तो खूंटी की मदद से उतार लेंगे। तो माशाल्लाह चेक करें एक एक गुच्छे के साथ किस कदर लसूड़े जो है वो लगे हुए हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 30-40 के करीब करीब जो है वो एक गुच्छे में होंगे। नहीं जब हमारी बारी आ गई हम उतारते हैं, और गुच्छे जो है माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी मोटे मोटे लग रहे हैं। ये चेक करें गुच्छे जो है वो काफ़ी पत्तों में फंसे हुए हैं, अगर एक गुच्छे को भी डालें टहनी को डाल जाती है, और टहनी जो है वो काफ़ी बड़ी सारी टूट जाती है, तो कोशिश करेंगे कि टहनियाँ जो है बचाई जाएँ और गुच्छे गुच्छे जो है वो लसूड़े के तोड़े जाएँ। तोड़ने के बाद लसूड़े जो है वो नीचे गिर गए, अभी इनको इकट्ठा कर लेंगे। टहनी और पत्तों के साथ से उतार लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लसूड़े तोड़ के हमने इकट्ठे कर लिए, टोकरी भर ली है, और जितने हमें चाहिए वो हमने ले लिए। अभी चलते हैं घर, और घर चल के इसका अचार जो है वो तैयार करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। कुछ लसूड़े जो है वो नीचे से उठा के हम तोड़ के जो है वो टोकरी में भर लाए थे, और टोकरी में गुंजाइश जो है वो कम थी, अचार जो है वो थोड़ा ज़्यादा तैयार करना है, तो इसलिए हम कुछ टहनियाँ जो है वही साथ ले आए थे, उनके साथ से भी अभी हम उतार के जो है वो टोकरी में डाल लेते हैं। इस तरह इनको साथ से अलग अलग कर लेंगे। ये फातिमा जो है मेरी हेल्प के लिए आ गई है,
सकते हैं, मुंह से नहीं हाथ से तोड़ो, ऐसे तोड़ो ना, इधर देखो ऐसे करके, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो तो टूट जाते। पता चल गया ऐसे। अचार के लिए चीज़ें हम इकट्ठी करके ले हैं, जो मसाला जात हम इसमें इस्तेमाल करेंगे उनको एक दफ़ा छान लेंगे, ताकि उनमें से अगर रेत का कोई ज़र्रा है, मिट्टी वगैरह हो, तो वो इस बीच में से निकल जाए। कोई भी चीज़ जो आप मसाला वगैरह बाज़ार से लेके आते हैं, इसे एक दफ़ा अच्छी तरह छान लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, ताकि उसमें से मिट्टी वगैरह के जो ज़र्रात हैं वो निकल जाएँ। अचार के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सौंफ, और इसको भी हम अच्छी तरह जो है वो छान लेंगे। छानने के बाद हम डाल लेंगे अगर काबी में, मेथरे, मेथरे को भी अच्छी तरह छान लेंगे। मसाला जात को छानने के बाद धूप में रख लेंगे और इनको अच्छी तरह धूप लगवा लेंगे। कलौंजी, अभी चूल्हे में जलाएंगे आग, आग जल गई है और तसले को रखेंगे चूल्हे पे, तसले में डाल लेंगे पानी, और तसले में पानी हम इतना डाल लेंगे जिसमें लसूड़े जो है वो अच्छी तरह उबल सकें। अभी हम धो लेंगे लसूड़े। लहसुनों को धोने के बाद साथ में हम तसले में डालते जाएंगे। लसूड़ों में उबाल आना शुरू हो गया, अभी हम लसूड़ को चेक कर लेंगे। लसूड़े जो है वो नरम हो गए। लसूड़े को ज़्यादा नरम नहीं करेंगे, ये ना हो कि आप इसे इतना नरम कर दें कि जब अचार बनाएं तो वो सारा का सारा जो है वो हलवे की शक्ल में बन जाए, इसलिए इसे जब थोड़ा थोड़ा नरम होना शुरू हो जाए तो इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तसले का ढक्कन ऊपर से हटा देंगे और लसूड़ों को थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रहने देंगे। अभी हम लसूड़ों में से पानी जो है निकाल लेंगे।
अभी लसुड़ों को हम खुले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि लसुड़े जो है ठंडे हो जाए। लसुड़े हमने उबाल लिए, उबालने के बाद हमने ठंडे होने के लिए रख दिए। जब तक ये ठंडे होते हैं इतनी देर में हम लसुड़ों के अंदर फिलिंग के लिए मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं, अचार वाला मसाला। मेथरे और सौंफ जो हमने धूप में खुश्क होने के लिए रखी थी और काफ़ी हद तक जो है गर्म हो चुके हैं, अभी हम इनको कूट लेंगे थोड़ा। मेथरे जो है सख्त होते हैं, इनको कूट लेंगे तो फिर आसानी के साथ अचार के अंदर जो है वो नरम हो जाएंगे। मेथरों को ज़्यादा कूट के बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा दड़दड़ा सा कर लेंगे इनको। मेथरों को कूटने के बाद एक खुले बर्तन में डाल लेंगे। सौंफ को भी थोड़ा कूट लेंगे। सौंफ को भी कूटने के बाद परात में डाल लेंगे। सौंफ और मेथरे के साथ शामिल कर लेंगे कलौंजी। दड़दड़ी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक शामिल कर लेंगे। तमाम मसाला जात को मिक्स कर लेंगे। अचार के लिए मसाला हमारा तैयार हो गया जो हम लसुड़ों के अंदर फिल करेंगे। तो अभी हम आपको बताएंगे कि लसुड़े के अंदर मसाला जो है वो किस तरह फिल करना है और लसुड़े का अचार जो है वो किस तरह तैयार होगा। लसुड़े जो है माशाल्लाह ज़बरदस्त उबल चुके हैं। लसुड़े के ऊपर से डंडी वाला हिस्सा जो है वो उतार देंगे, इसकी कैप जो है। इस तरह लसुड़े को खोलेंगे, इसमें से गुठली जो है वो निकाल देंगे। लसुड़े के अंदर से गुठली निकालने के बाद इसके अंदर भर लेंगे मसाला और मसाला जो है वो अच्छी तरह भरेंगे इस तरह। इस तरह भरने के बाद साथ ही हम दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लसुड़ों की फिलिंग हमने कर ली है और ये काफ़ी मेहनत तलब काम है और काफ़ी टाइम जो है इस पर लगता है फिलिंग पे, स्पेशली इसमें से गुठलियाँ निकालना, मसाला भरना और फिर इस तरह इसको साइड पे रखना, काफ़ी टाइम जो है इसमें लगता है। मगर लसुड़े का अचार जो है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है और बहुत ही जायकेदार होता है। ज़ाहिर है कुछ मज़ेदार चीज़ें खाने के लिए टाइम तो फिर लगाना पड़ता है। ये कुछ मसाला जो है वो बच गया है, ये अचार डालने के बाद इसके ऊपर भी हम डाल सकते हैं और इसके अलावा कोई और अचार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़ाया नहीं होता, कहीं भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अचारी गोश्त की रेसिपी में भी आप इस मसाले को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अचार किसी भी चीज़ का है और जब भी आप तैयार करते हैं तो कोशिश करें कि उसे किसी एयर टाइट में जार में जो है वो रखें ताकि अचार जो है वो ज़्यादा देर पर रहे और ख़राब ना हो जल्दी। तो हम भी अचार के लिए कुछ तो इस तरह के जार जो है वो इस्तेमाल करेंगे और कुछ जो है वो बर्तन इस तरह के इस्तेमाल करेंगे जिनका ढक्कन जो है वो एयर टाइट हो। अभी इस जार को हम फुल कर लेंगे।
जार में लसुड़े का अचार डालने के बाद अभी हम इसमें डाल लेंगे ऑयल, और अचार के लिए ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं सरसों का ऑयल, और कोशिश करें कि अचार जो है वो ऑयल के साथ डिप रहे। तो माशाल्लाह अचार हमारा जो है वो तैयार हो गया, और आंधी जो है वो भी आ गई है काफ़ी तेज़ है, तो बाकी अचार जो है वो हमें लेके जाना पड़ेगा और घर चल के इसको तैयार करते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह लसुड़े का अचार हमारा जो है वो तैयार हो गया। इसे हमने भर दिया एक एयर टाइट जार में, और ये तकरीबन 2 से 3 दिन में जो है वो खाने के काबिल हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आप इसे महफूज कर सकते हैं इस तरह एयर टाइट जार में साल भर से ज़्यादा अरसे के लिए, और ये मुकम्मल प्रोसेस था लसुड़े के अचार का। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जब पसंद आएगी, पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों अहबाब के साथ, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तक फौरन पहुँचे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।